हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इथनो मेडिसिन या इथनो मेडिकोबॉटनी के बारे में। इथनो मेडिसिन जो हमारे पास है, एक ऐसा एरिया है जो डील करता है मेडिसिन जो कि ड्राइव होती है प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से, और उनको यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज एंड एलिमेंट बेस्ड ऑन इंडिजीनियस फार्मासोपिक फोकलोरी एंड हर्बल चार्म्स। वेरियस डिजीज और एलिमेंट जो कि हमारे पास बेस्ड है इंडिजीनियस फार्मास्पोई फोकलोरी और हर्बल चार्म्स पे, जो ट्रेडिशनल फोकलोरी है उसके बेसिस के ऊपर इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। इथनो मेडिसिन हैज़ गुड कंट्रीब्यूशन इन हेल्थ केयर सिस्टम सिंस एशियन टाइम्स एंड दिस वर्क हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड इन लिटरेचर अंडर वेरियस टाइटल लाइक हर्बल ड्रग्स, हर्बल मेडिसिन एंड फाइटोथेरेपी। तो इथनो मेडिसिन का काफ़ी ज़्यादा जो है वो एशियन टाइम से कंट्रीब्यूशन रहा है, अलग अलग नामों से, हर्बल ड्रग्स, हर्बल मेडिसिन और फाइटोथेरेपी के रूप में। अब हमारी जो इथनो मेडिसिन है वो हमारे पास दो तरह से है, एक ट्रेडिशनल और दूसरी है ट्राइबल मेडिसिन। पहले हम दोनों के बारे में देखेंगे और फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ट्राइबल मेडिसिन के बारे में। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ट्रीटिंग डिजीज थ्रू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एजेंसी एंड फोर्स ऑफ नेचर। इसमें जो है फोर्स ऑफ नेचर के द्वारा डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 64% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिलाय ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर देयर प्राइमरी हेल्थ केयर। ये बात तो हम हर कोई जानता है कि हमारे इंडिया में अभी भी जो है वो किसी को कॉमन कोल्ड हो जाए या फिर छोटी मोटी बीमारी हो जाए तो हम जो ट्रेडिशनल मेडिसिन, घर की जो दवाइयाँ, उनको, घर के जो हमारे घरेलू नुस्खे हो गए, उनको आजमाते हैं। ठीक है, अवेलेबल डाटा इंडिकेट दैट देन 119 प्लांट बेस्ड ड्रग टूडे अबाउट 74% आर अप फ्रॉम ट्रेडिशनल मेडिसिन। हमारे पास जो है 119 प्लांट्स बेस्ड ड्रग्स जो हैं, जिनमें से 74 जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, तो 74% हम अब भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि हम ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को क्यों यूज़ करें, क्योंकि वो लो कॉस्ट है, ईजी अवेलेबल है, टेस्टेड एफिकेसी एंड विद नो साइड इफेक्ट वारंट्स देयर डेवलपमेंट एंड प्रमोशंस। इस वजह से जो है वो ज़्यादा डेवलप हो रहा है और उसका प्रमोशन है, क्योंकि हम जब भी कोई घरेलू हल्दी, अजवाइन, इस तरह की जो चीज़ें यूज़ करते हैं तो उनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम होते हैं। द मेजर इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन आर द कोडिफाइड नॉलेज सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, तिब्बतन एंड होम्योपैथी। ये था हमारे पास ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब हम बात करते हैं ट्राइबल या फोक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। बाय एंड लार्ज ट्राइबल पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव देयर ओन सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच आर एज ओल्ड एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री इन लिटरेचर। हमारे पास जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनका एक अलग तरह का जो है सिस्टम है मेडिसिन का, और वो कहीं पर भी लिखित रूप में डॉक्यूमेंटेड नहीं है। द ट्रेडिशन इज पास्ड ऑन वर्बली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वर्बल एक दूसरे को जो है वो बातों में वो बता के समझा के वो पास हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ट्राइबल मोस्टली यूज लोकली अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल एज इंटीग्रेटेड टू प्रिपेयर देयर मेडिसिन। वो लोकल अवेलेबल प्लांट और एनिमल को यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन। इट इज़ अ फैक्ट रियलाइज बाई एवरी वन दैट दिस नॉलेज इज इम्पोर्टेंट नॉट जस्ट फॉर द ट्राइबल पीपल देमसेल्फ बट फॉर द वर्ल्ड वाइड। जो ट्राइबल पीपल्स के पास नॉलेज है वो सिर्फ उनके लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके साथ साथ पूरे वर्ल्ड के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है, और हमें उस नॉलेज को जो है संभाल के रखना चाहिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है वो उसकी नॉलेज देनी चाहिए। अब बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल ट्राइबल मेडिसिन के बारे में। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंस। सबसे पहले है ड्रग। तो जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें मल्टीपल ड्रग सिस्टम है, लेकिन जो ट्राइबल सिस्टम है वहाँ पर सिंगल ड्रग सिस्टम है, एक ही ड्रग को वो यूज़ करते हैं। कैरियर जो है यहाँ पे कैरियर एंड बायो असिमिलेशन प्रॉपर्टी लाइक हनी एंड अदर आर, और इसमें जो है राइस बियर, कंट्री लीकर, पीपल, ये सब उनके कैरियर हैं जिसके साथ वो किसी भी ड्रग को देते हैं। फॉर्मुलेशन रिटर्न फॉर्मुलेशन है, यहाँ पे कोई रिटर्न फॉर्मुलेशन नहीं है। नेचर क्या है मेडिसिन का, वो सिस्टमेटाइज मेडिसिन और ये नॉन सिस्टमेटाइज मेडिसिन है। प्रिजर्वेशन किसमें, ये जो है प्रिजर्व करके रखते हैं, तो ये हनी, सॉल्ट, ऐश मेड आउट ऑफ वेरियस मेटल पर्ल्स, ये जो है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, और ये जो है वो जानी लिविंग प्लांट को उसी टाइम पे जो है वो यूज़ करते हैं, फ्रेश और लिविंग प्लांट को यूज़ करते हैं एज ए ड्रग जो हमारे ट्राइबल सिस्टम है उसमें। क्लिनिकल टेस्ट इसमें टाइम टेस्टेड होता है गाइडेड बाय अ सिस्टम, लेकिन जो ट्राइबल सिस्टम है वहाँ पर हमारे पास एज ओल्ड सिस्टम गाइडेड बाय एक्सपीरियंस, उनको
एक्सपीरियंस मिलते हैं। हम पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं कि जो ट्राइबल्स हैं वो किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, फिर वो उसके बैड इफेक्ट और गुड इफेक्ट को देखते हैं, और दूसरी बार अगर उसका अच्छा इफेक्ट है तो उसको यूज़ करते हैं, अगर उससे कोई भी साइड इफेक्ट हो यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे बात आती है एक्सपीरियंस की, उनको एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पे वो जो है वो टेस्ट वगैरह करते हैं और मेडिसिन देते हैं। मेजरिंग स्केल, यहाँ पे मेजरिंग स्केल और यूनिट होते हैं, लेकिन ये कोई मेजरिंग स्केल और यूनिट नहीं होता ट्राइबल सिस्टम में। तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ट्राइबल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।